मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बड़ी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय हैं हम कौन सा है इंडिया कोल्ड स्टोरेज, और हमारे त्यागी जी हैं। जय त्यागी जी, और कैसे हाल चाल है? इंडिया फर्स्ट हंदौली रोड पर, कहाँ से कहाँ, एड्रेस बताना कोल्ड का। उसके पास में प्रकाश कोल्ड के पास में ही, सचिन कोल्ड के बराबर में। सचिन कोल्ड के पास मतलब आगरा से खंदौली वाले रोड पे है ना। आ जाओ खान साहब, आओ आओ आओ, ये व्यापारी हैं खान साहब। अच्छा, व्यापारी हैं। और भैया हम किसान हैं। अच्छा किसान हैं, कौन सा गांव है? नगला हरकेश। अच्छा अच्छा अच्छा, आलू भालू कत्तो? हाँ भैया जी, अपना लद रहा है। अच्छा, तुम्हारा ही लद रहा है, क्या रेट बेचा है? जी 700 रुपये में बेचो भैया। 700? अच्छा गुल्ला है। अच्छा 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 अच्छा, तो मैंने कहीं देखा है। नहीं, रोड पे ही देखे हैं मैंने, कहीं देखे हैं। अच्छा अच्छा, और साहब नमस्कार साहब, आप क्या नाम है आपका? शिवकुमार त्यागी। अच्छा त्यागी जी, आपका तो स्टोर भी है? जी सर। कहाँ पे? इरादत नगर में। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या रेट बिक रहे हैं आलू तुम्हारी तरफ? आलू हमारे यहाँ साहब 900, 950, 950 रुपये तक खूब सौदा हो रही है। और यहाँ क्या हो रही है जी खंदौली में, आप व्यापार भी करते हैं ना यहाँ पे? जी जी जी। क्या रेट तक खरीद रहे हैं आलू? आलू हम गुल्ला भी 650, 700, 700 रुपये तक खरीद रहे हैं। और छट्टा? छट्टा भी खरीद लेते हैं सब, छट्टे हमारी मंडी में अभी डिमांड नहीं है तो अभी नहीं खरीद रहे हम। अच्छा, कैसा चल रही है निकासी आपके हिसाब से इस साल, क्या लग रहा है आपको? जैसे व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपको क्या लग रहा है इस साल के क्या रहने वाला है आलू का? वैसे तो बढ़िया चल रहे हैं रेट, बहुत बढ़िया रेट चल रहे हैं। बढ़िया है साहब, देखो पेट तो किसी का नहीं भरता है, लेकिन इस समय जो रेट मिल रहे हैं वो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं। और किसान को मतलब अगर किसी ने अपना हाथ भी नहीं लगाया तो वो कम से कम इस रेट में आधा आलू निकाल लें तो ज़्यादा बढ़िया है। पंडी को भी लेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, आधा आलू बेचना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बेचना चाहिए। पंडी आइए, पंडी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम है पंडी आपका? बंटी शर्मा। कितना आलू करते हैं आप? 12,000 कट्टे। 12,000 कट्टे, कितना बेच दिया अब तक? आधा बेच दिया। आधा बेच दिया, तो पंडित तुम तो मेरे फेवरेट आदमी बन गए। तो तुमने खेत पे ही बेचा है? तो क्या संतुष्टि हो रही है, रेट बढ़िया मिल रहे हैं इस साल के? नहीं मिल रहे, कोई यूट्यूब का थोड़ा बहुत योगदान है कि नहीं रेट मिलने में? बढ़िया बढ़िया मिल रहा है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं, खुशहाल है। चलो आगे और भी खुशहाल होगा, चिंता मत करो। और हमारे त्यागी जी हैं दोस्तों, ये त्यागी जी मैनेजर हैं इस कोल्ड स्टोर के। त्यागी जी कैसे निकासी विकासी कैसी हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है। कितने परसेंट होगी निकासी? 26 प्लस है, 27। पूरा भर गया था स्टोर? हाँ, लगभग। कितने कितने कट्टे की है कैपेसिटी? कैपेसिटी करीब 180 की, 140 आए थे हमारे यहाँ। कम कैसे रह गए 40,000? बहुत कम रह गए, वो उतने लिए थे बस एक टेम्पर। सही है, हिसाब किताब सही लो, बाद में धागी दूंगी का भी रट्टा रहा है। अच्छा अच्छा, तो निकासी लगभग कितनी होगी अब तक? निकासी होगी लगभग 35%। 35%? 35,000 कट्टे। परसेंटेज में कितना माना जाए? लगभग 25-26% लगभग। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग हर कोल्ड स्टोर में निकासी ऐसी चल रही है, लगभग 30% से ज़्यादा हो जाएगी जुलाई एंड में खंदौली में। 32%। देखो एक चीज़ है ना त्यागी जी, एक चीज़ मैं बताऊँ कि खंदौली का क्या है कि खंदौली से ही आगरा मंडल का टॉप है खंदौली। पर इस साल थोड़ा सा क्या है कि हमारा एटा रोड पे ज़्यादा महंगी सौदा हो रही है आगरा से लेके ऐदबादपुर रोड पे उसने। और क्वालिटी भी होती है, क्वालिटी भी है। हाँ। पहले खंदौली की जो क्वालिटी थी वैसी क्वालिटी हमारे यहाँ होने लगी। रेट तो यहाँ पे भी अच्छी है, है? यहाँ पे भी 1,000 रुपये बिक रहा है आराम से। नहीं तो तुम्हारे यहाँ भी रेट बढ़िया है? 950 खूब दबा के बिक रहा है आराम से। एक सवाल पूछूंगा मैं आप सब लोगों से, बोली सिस्टम क्यों नहीं लगता खंदौली में? बोली सिस्टम क्या चक्कर है? कुछ कोल्डों में है जैसे प्रकाश कोल्ड है और भी कोल्ड है। नहीं, उसका जवाब मेरे पास। हाँ बताओ त्यागी जी। उसमें कंडीशन ये है, व्यापारियों की संख्या कम और कोल्डों की संख्या ज्यादा ज्यादा, व्यवस्था बन नहीं पाती है समय समय तक कोल्ड में बोली ले जाए। हाँ नहीं, बात तो सही है। हाँ नहीं, नहीं हो पाएगा, ये भी तो है। कोल्ड स्टोर ज्यादा है, ये तो तुम्हारी बात एक सही है ना। तो फिर ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना कि बिक्री का दिन जैसे हफ्ते में 3 दिन बिक्री हो जाए। हफ्ते में 3 दिन रखा था, एक कोशिश की थी लेकिन व्यवस्था बन नहीं पाई, कभी किसान नहीं आए, कभी व्यापारियों की व्यवस्था नहीं बनी। वैसे बोली के आप तो पक्ष में हो गए? हाँ बिल्कुल पक्ष में। बोली से क्या फायदे हैं जी बताओ? बोली से बहुत फायदे, एक तो किसान को समझाना नहीं होता और व्यापारी के सामने और किसान के सामने सब व्यवस्था होती है। किसान को भी अच्छी रेट मिल जाती है, उससे फायदा ही होता है। त्यागी कुछ चोरों को नहीं भाती है बोली? हाँ चोरों को नहीं भाती, सही बात तो ये है। कुछ चोर कोल्ड वाले हैं उनको नहीं भाती मेरे लगती है सर, विराटनगर में। अच्छा आपके यहाँ लगती है? बिल्कुल, और सब किसान संतुष्ट हैं। दोस्तों त्यागी जी हमारे, इनके कोल्ड पे जल्दी है, विराटनगर का चक्कर लगेगा तो इनके कोल्ड स्टोर पे 100% जाएंगे त्यागी जी। और त्यागी जी बड़ा बढ़िया लगा आप सब लोगों से बात करके। आप पे अपना खुद का कितना आलू है? मेरा मैं करता हूँ 10-12 हज़ार कट्टे कर लिया। कितना बेच दिया आपने? मैंने लगभग 80% बेच दिया। चलो हमारे बराबर बेच लिया तुमने।
और जी हाँ साहब सही है सब? बहुत बढ़िया साहब, अच्छा। मस्त लग रहा है, काम मस्त चल रहा है। मस्त चल रहा है, मस्ती चलना चाहिए, सही है। YouTube देख लेते हो वीडियो? हाँ हाँ देख लेते, हमारा वीडियो देख लेते हो? आज देख लो तुम्हारी। चलो त्यागी जी बता देंगे, ठीक है त्यागी जी। दोस्तों ये था इंडिया कोल्ड स्टोर, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, बड़ा बढ़िया लगा आप सभी लोगों से बात करने करके। दोस्तों अब हम हैं इस समय बौरे बैजनाथ कोल्ड स्टोर खंदौली में। एक गाड़ी ये लोड हो रही, एक गाड़ी ये खड़ी हुई है, अभी बात करेंगे यहाँ पे क्या रेट आलू बिक्री हो रही है, देखते हैं। ये है दोस्तों बौरे बैजनाथ कोल्ड स्टोर, तो दोस्तों ये है मेरे साथ कोल्ड स्टोर के मालिक बौरे बैजनाथ के। सेठ जी नमस्कार, कैसे हाल चाल है सेठ जी? ठीक है बढ़िया। आपने तो शुरुआत से ही बढ़िया आलू आपके यहाँ तो बिक्री हुआ था, मैंने ध्यान है मैंने पर्ची अपने ग्रुप में डाली थी, आप ही के यहाँ की डाली थी। इन्हीं का बिका था, कैरेट बिका था महाराज 900 रुपए। 900 रुपए, कितने दिन पहले, कितने दिन हो गए? डेढ़ महीना हो गया। रेट आप ही ने खोली थी 900 रुपए वाली। तो सेठ जी और कैसी निकासी विकासी चल रही है? निकासी अब कुछ दिन से सुस्त हो गई है। कितने परसेंट हो गई होगी निकासी अभी? अपने यहाँ 30% हो गई। 30% अपने यहाँ तो सही चल रहे हो वैसे भी? अपने 30% हो गई, सही है। तो फिर तो लग रहा है ऐसा कि आराम से खाली हो जाएंगे कोल्ड? हो जाने तो चाहिए, बाकी थोड़ा असन के ऊपर डिपेंड करता है जो क्या पोजीशन रहती है असन की। हाँ हाँ, किसान क्या, किसानों को क्या लग रहा है मन में? किसानों को आगे और तेजी दिखाई दे रही है? तेजी दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है बिल्कुल, तेजी दिखाई दे रही है। पर लोग बेचने तो आ रहे हैं कोल्डों में आलू? अभी थोड़े थोड़े लोग आ रहे हैं, पर लेकिन बीच में थोड़ा सा 1000 रुपये का थोड़ा सा वो हो गया है, रेट हो गए सौदे थोड़े से 1000 रुपये के, तो उस चक्कर में किसान रुक गया है। अब ऐसा ना तेजी आएगी, चक्कर क्या है कि लोगों को समझना चाहिए कि दागी आलू और बढ़िया आलू में अंतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब 300 रुपये कट्टे का तो डिफरेंस चल ही रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल चल रहा है, तो लोगों को ये भी समझना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को, किसान भाइयों से अपील करूंगा कि हमेशा अपना आलू, हर आदमी नहीं सोचे कि 1000 का बिक जाएगा। मैं भी वैसा आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा सभी लोगों से, सभी किसान भाइयों से, कि अपना आलू समय समय निकालते रहे, निकालते रहे। इस मतलब 1000 के चक्कर में या 1200 के चक्कर में नहीं बैठे, नहीं रहना चाहिए। जो मिल रहा है वो बहुत है। हाँ, जो मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है। फिर मैं जो नहीं कह रहा कि और आप भी मत इस बात को, हरा आलू खत्म नहीं करे आदमी, धीरे धीरे बेच लो अपना। पर कुछ लोग तो महाराज ऐसे है कि जिन्होंने दाना नहीं बेचा अभी तक। भाई साहब हमारे यहाँ 10000 कट्टे के किसान है, जो है उन्होंने केवल 2 गाड़ी निकाली अभी तक, जो है आप सोचिए जो है गलत नहीं है, गलत है, उनको बेचना चाहिए। और देखो हमारे महाराज ने कितने कट्टे हैं साहब आपके टोटल? कितने बेचनी है? आधे। ये तो बढ़िया चीज है। और ये जितेंद्र जी हैं मेरे साथ दोस्तों, और साहब कितनी कैपेसिटी है कोल्ड की? 280 आए इस बार, 280। तो ये बताओ कि यूट्यूब से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? यूट्यूब से फायदा, अगर सोशल वाले समझ रहे तो फायदा तो हो रहा है। सोशल मीडिया से फायदा है कि नहीं? लास्ट ईयर तो मरवा दिया था जो है यूट्यूब, कुछ लोगों ने। हाँ कुछ लोगों ने मरवा दिया था। हाँ हमने नहीं मरवाया, आप भी नहीं कह रहा मैं, जो पहले कोई सादा बात साइड के थे फोन से ऐसा, तो वो तो 5 उंगली एक सी नहीं होती, सब तरह का आदमी है। वैसे आपको लग रहा है कोई लाभ है कि नहीं यूट्यूब से, सोशल मीडिया से? सोशल मीडिया से लाभ तो है, जो एडवांटेज भी है उसके डिसएडवांटेज भी, दोनों चीज़ें। वो तो हर चीज़ की कुछ ना कुछ होता है। अब कोल्ड स्टोर लाइन में भी हर आदमी बढ़िया नहीं है, बहुत से ऐसे हैं कि जो अपने लगे हैं अपने बढ़िया, अपने हर आदमी बढ़िया थोड़ी है हर चीज़ में। क्यों महाराज आपके मैनेजर साहब हैं? हाँ जी साहब। अच्छा तो आपसे क्या, आपसे ही बात हो गई तो कोल्ड के मालिक साहब? अच्छा तो सेठ जी बहुत बहुत बढ़िया लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कम से कम आपने आप मिल तो गए। अच्छा निकासी के बारे में दोस्तों ठीक है, अरे तो कोई बात नहीं यार, सेठ जी को मत बनाने दो, सेठ जी ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।